हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइग्रेन हेडेक के बारे में। और माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरीके का सिम्टम है और ये आप लोगों की अपनी टेंडेंसी है जो किसी भी एक ट्रिगर पॉइंट की वजह से, ट्रिगर होने से आपको होती है। इसमें आप कई बार ये परेशान हो जाते हैं कि मैंने माइग्रेन का इतना ट्रीटमेंट ले लिया और मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ले ली बट मेरा माइग्रेन ठीक ही नहीं हुआ। आप घबरा जाते हैं कि कहीं मेरे दिमाग के अंदर कोई लीजन तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे दिमाग में कि जिसकी वजह से मेरा सर दर्द रुक ही नहीं रहा। जब भी आप MRI कराएंगे तो ये हमेशा नॉर्मल आएगी। क्यों? क्योंकि माइग्रेन किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है, ये आप लोगों की सेंसिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी होती है और इसे आप समझ सकते हैं एक एलर्जिक कंडीशन की तरह। आपने देखा होगा कि आप लोगों को किसी भी चीज़ की एलर्जी होती है तो उनके एक पर्टिकुलर सिम्टम होते हैं और डॉक्टर जब ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको यही बोला जाता है कि आप अपने उन एलर्जन से दूर रहिए जिनसे आपकी ये एलर्जी बढ़ रही हो। सेम माइग्रेन की सिचुएशन है। माइग्रेन एक तरीके का सर दर्द है जिसमें आंख से लेके पीछे नेक तक दर्द होगा और आपको नोजिया, वॉमिटिंग, जिदोरा, उल्टी जैसे चांसेस हो सकते हैं। इसमें और भी सिम्टम होते हैं। कई बार आपको ऐसे लगेगा कि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है जो कुछ घंटे से कुछ दिनों तक रह सकता है और कोई भी दवाई लेने से आपको असर नहीं कर रहा होता। वो इसलिए है क्योंकि आपका ट्रिगर पॉइंट अभी भी आपके साथ है जिसे होम्योपैथी में मेंटेनिंग कॉजेज बोला जाता है। जब तक आपके मेंटेनिंग एक्साइटिंग कॉजेज आपके साथ रहेंगे आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। ये सिम्टम इसमें ट्रिगर जो करते हैं वो ट्रिगर करने की वजह से हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोपेप्टाइड जैसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स बन जाते हैं जो बार बार ट्रिगर होने की वजह से बनते हैं और उसकी वजह से हमें हेडेक होने लगता है। बट इसको दूर किया जा सकता है, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे ज़्यादा आपको दवाई से ज़्यादा आपका अपना बचाव इसमें हेल्प करेगा। माइग्रेन जो है उसके ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकते हैं कि आपने या तो ढंग से खाना नहीं खाया है या आपका खाने खाने का टाइमिंग फिक्स नहीं है या आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर टू सन हो रहे हैं, लाइट हो रहे हैं या फिर आप लॉन्ग टाइम वॉचिंग कर रहे हैं टीवी की, रात के समय जगे हुए हैं, अपनी टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या फिर कोई स्ट्रेस है आपको। ये कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं और उसकी वजह से आपको ये सर दर्द होता है। इसमें आप किसी तरीके की कोई दवाई लें तो आपको फ़र्क नहीं दिखता है क्योंकि आप अभी भी अपना शेड्यूल वैसा का वैसा ही लेके चल रहे हैं। ये एक रीज़न है आपके माइग्रेन ठीक ना होने का। इसके लिए यही आपको प्रिकॉशन लेना होगा कि आपको समझना होगा कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है। अगर आपका स्ट्रेस ट्रिगर पॉइंट है तो आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होगा, जिसमें आपको फाइंड आउट करना होगा कि किस चीज़ से आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपकी क्या टेंशन है जो कांस्टेंट बनी हुई है, उसे दूर करना होगा। उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं थेरेपिस्ट की,
ताकि वो आपको हेल्प करे उस स्ट्रेस से निकलने के लिए। सेकंड, आप अपनी लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करिए। अगर आप रात को लेट नाइट वॉचिंग्स करते हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जिसकी वजह से सुबह के टाइम जब आप उठते हैं तो आपको अनफ्रेश मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने अच्छे से नींद नहीं ली और आपका हेडेक स्टार्ट हो गया, तो आपको अपने सोने का समय फिक्स करना होगा। साथ ही आपको टीवी, मोबाइल और लाइट बंद करके स्पेशली ये सब देखना बंद करना होगा, जिससे कि आपका माइग्रेन ठीक हो जाए। उसी के बाद आप कर सकते हैं अपना डाइट मैनेजमेंट। डाइट, जिनको भूखे रहने की वजह से सर दर्द हो जाता है, जिसे आप बोलते हैं कि गैस बन गई और गैस सर पे चढ़ गई, तो उन्हें अपनी जो भूखे रहना है वो अवॉइड करना होगा, प्लस अपनी डाइट डाइटिशियन की हेल्प लेके इस तरीके से बना ले कि अगर आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं, वेट लॉस मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो आपके माइग्रेन को ट्रिगर ना करे। उनसे हेल्प ले, वो इस तरीके की डाइट चार्ट बनाएंगे कि आपका माइग्रेन एग्रावेट ना हो। और अपने खाने का टाइम भी फिक्स रखें। अपने खाने का टाइम फिक्स ना हो तो भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें माइग्रेन जो मोस्टली है महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, बिकॉज ये जो फैक्टर्स मैंने बताए ये महिलाओं में ही सबसे ज़्यादा है। स्ट्रेस हो सकता है, डाइट उनका ऐसा है, इवन जो हम बोलते हैं कि स्लीप भी उनकी डिस्टर्ब रहती है ड्यू टू एनी अदर रीज़न, तो ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है माइग्रेन की तो उन्हें भी ये माइग्रेन होने के चांसेस रहते हैं। एज के साथ देखेंगे तो जो यंग एज है 20-30s की, उन्हें माइग्रेन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही एज आपकी बढ़ती जाएगी माइग्रेन की टेंडेंसी कम होती जाएगी। या फिर जो यंग गर्ल्स या वुमेन्स हैं जिनके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस चलता है, तो उन्हें भी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे से अगर आपको माइग्रेन या हेडेक होता है, आपको घबराना नहीं है। फर्स्ट यू नीड टू चेक आउट कि आपका शेड्यूल कैसा है और आपका माइग्रेन का ट्रिगर पॉइंट क्या है, किससे आपका माइग्रेन एग्रावेट हो रहा है। जब आप वो निकाल लेंगे ट्रिगर पॉइंट, तो आपको उस पर वर्कआउट करना है और देखना है कि आपका माइग्रेन ठीक हो गया। अगर आपका हेडेक और माइग्रेन उसको अवॉइड करने के बाद या उस फैक्टर को हटाने के बाद ठीक हो जाता है, तो आपको किसी भी कोई तरीके की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिंस भी हेल्प करती है और बहुत अच्छे से हेल्प करती है। होम्योपैथी में आप हेडेक के जो रीजंस देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन सब का हम एग्रावेशन एमिल्योरेशन चेक करते हैं कि आपका किस वजह से ये एग्रावेट हो रहा है, किस वजह से एमिल्योरेट हो रहा है। तो अगर आप वो मेडिसिंस लेते हैं तो डेफिनेटली आपका ये जो हेडेक है वो क्योर होगा। बट यस, प्रिवेंट करना है उन ट्रिगर पॉइंट्स को जो आपके माइग्रेन को बढ़ा देते हो। टॉपिक बहुत छोटा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने देखा है बहुत से पेशेंट्स सफ़र करते हैं माइग्रेन से, और इवन यंगस्टर्स, क्योंकि ये एज फैक्टर भी है तो यंगस्टर्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो दवाई पे दवाई, टेस्ट पे टेस्ट करवा के परेशान होते हैं कि उनका कुछ भी नहीं निकल रहा पर सर दर्द नहीं जा रहा। तो जैसा मैंने अपने इस वीडियो में बताया है कि फर्स्ट यू नीड टू चेक आउट योर ट्रिगर पॉइंट, एंड उसके बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है देन यू कैन गो फॉर फर्दर। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि टॉपिक छोटा है बट ये आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। आप अपनी परेशानियों से रिलेटेड कोई भी, अगर आपकी मेडिकल कंडीशन है या कोई भी साइन एंड सिम्टम है जिनसे आप परेशान हो रहे हैं, उनके बारे में मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मुझे मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगी। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।